हेलो एवरीवन वन कैसे आप सभी वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर तो चलिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जितने भी के वी एस एस्पेरेंट्स है जितने भी के वी एस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप कर रखा है वेरियस एग्जामिनेशन का तो जितने भी वेरियस पोस्ट इसमें निकले थे उनसे रिलेटेड लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई आपको पता चल गया एंड बैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी आ गई तो देखिए एग्जाम की डेट एक्चुअली में फाइनली आ गई क्योंकि एग्जाम इस बार ऑनलाइन होना है तो वन डे एग्जाम तो होना नहीं है कि एक दिन में सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा इस वजह से ऐसा डिसन लिया गया है लिया होगा इन्होंने ऐसा मैंने मेरा मानना है कि अभी से एग्ज़ाम की डेट आ गई और बता भी दिया आपको पहले से एंड एग्जाम जो है एक दिन में नहीं होगा एक एक वीक का चलने वाला एग्ज़ाम है ये क्योंकि ऑनलाइन होना है आप सबको पता है तो चलिए देखते हैं क्या है दर्नेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल द दोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर फिफ्टी एंड सिक्सटी इज गिवन बिलो ओके तो ये जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन पोस्ट देखिए इसमें जो पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया जिसने, जिसने अस्िटेंट कमिश्नर बना होगा ये तो उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी उसमें आ, वर्किंग है जिस जो के में तो ये आपके सात फरवरी को है एंड प्रिंसिपल शिप का जो फॉर्म जिसने भरा होगा उसके लिए आठ फरवरी डेट है एंड वाइस वाइस प्रिंसिपल एंड पी म्यूज़िक स्पेशली पी म्यूज़िक की जो एग्ज़ाम है वो वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम जिस दिन होगा उसी दिन होना है ये तीनों एग्जाम एग्जाम्स आपके वन डे एग्जाम्स हैं मतलब एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएंगे तो ये नौ फरवरी को है एंड पी जी जो सुन लें जो बारह से चौदह फरवरी तक की है बारह तेरह चौदह में किसी भी दिन किसी का अलग अलग दिन में लोगों का पढ़ सकता है ठीक है एंड पी जो है वो नेक्स्ट आपका फोटीन के बाद वन डे रुक करके और नेक्स्ट डे आपका सिक्सटीन टू ट्वेंटी ये भी आपका सिक्सटीन सेवनटीन नाइन एटी नाइनटीन ट्वेंटी ये भी फाइव डेज का आपका एग्जाम है पी का और इसके बाद जो आपका फाइनेंस ऑफिसर है सिविल एंड हिंदी ट्रांसलेटर ये जो पोस्ट निकली थी इसका आपका बीस फरवरी को डे एग्जाम है ये एंड देखिए पीआरटी आर टी चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पीआरटी भरा हुआ है पीआरटी में वैकेंसीज भी ज़्यादा थी तो इसका एग्जाम आपका जो है आई थिंक ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी वन एट अगर एड किया जाए तो आई थिंक इट इज़ अ नाइन डेट ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट दिस एडीज़ एग्जाम ओके तो ये आठ दिनों तक चलने वाला है पी का एग्ज़ाम है तो इसमें आपका अलग अलग मेरा मानना है कि शायद ये अल्फ़ाबेटिकल बने या फिर जिस तरीके से फॉर्म फिलअप किया गया हो तो पी वालों का एक से अट्ठाईस के बीच में होगा एग्ज़ाम एंड जूनियर सेक्रेटेट सेक्रेटेट असिस्टेंट का एग्ज़ाम एक से पाँच मार्च तक होगा ये देखिए आपका स्टार्ट कब हो रहा है एग्ज़ाम सात फरवरी से शुरुआत होकर के आपका छः मार्च तक एग्ज़ाम चलेगा ठीक है तो आपका फिर ये जूनियर सेक्रटेट सेक्रेटेट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा एक मार्च को है एंड एक मार्च नो 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 दिस इज़ नॉट वन मार्च वन टू फाइव मार्च होगा ये एंड फाइव uh, मार्च को आपका स्टेनोग्राफर का है ग्रेड टू टू का एंड छः मार्च का लाइब्रेर असिस्टेंट सेक्शन अफसर एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट तो चलिए लग जाइए जुट जाइए अभी से बिल्कुल से अभी तो आपका यू पी टी जी का कोई डेट ऐसा आया नहीं है एटलीस्ट इसका डेट तो आ गया इस एग्जाम तो होने वाले हैं तो चलिए आप बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द एस जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो सभी का तो होना नहीं जितने सीट से उतने ही होंगे बट तो जो मेहनत करेगा उसका होगा ही तो चलिए प्रिपरेशन में जुट जाइए आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएँ बहुत ही अच्छा हो हैव अ गुड लक थैंक यू